गरियाबंद जिले में सचिव संघ जिलाध्यक्ष प्रवीण साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जिले के पांचों ब्लॉक के सचिवों द्वारा जिले के रावण भाटा में सरकार का ध्यान आकर्षण के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और एक सूत्री मांग दो वर्ष परीक्षा अवधि तत्पश्चात शासकीय करण मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में नारेबाजी कर रैली निकाली गई। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर व जिला पंचायत सीईओ को मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि पिछले वर्ष सभी सचिवों ने हड़ताल कर काम बंद कलम बंद किया गया था, जो काफी दिनों तक चला। सरकार द्वारा मांगों को पूरा किया जाएगा करके आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जिला अध्यक्ष प्रवीण साहू ने बताया कि काफी अरसे से परीक्षा अवधि के दो वर्ष पश्चात शासकीयकरण करने की मांग सरकार से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 तारीख को रायपुर में प्रदर्शन कर विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी है। एक सूत्री मांग है दो वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण, इसके लिए हमने पूर्व में हड़ताल भी किया था, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में हमारी मांगे मानने की बात कही गई थी। आज पर्यंत तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई हमारे लिए कार्रवाई नहीं किया गया है, हमारे पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, तो उस वादा को निभाने के लिए आज हम लोग रैली के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री एवं सम्माननीय पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे। साथ ही उस मांग पत्र को हम मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव के नाम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम भी आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो 9 तारीख को हमारा विधानसभा घेराव है, विधानसभा घेराव होगा, जंगी प्रदर्शन होगा। अगर तब भी हमारे पक्ष में सकारात्मक निर्णय नहीं आता है, तो हमारा जो रैली है वो रैली नहीं रहे कि हमारा आमरण अनशन और हड़ताल जंगी प्रदर्शन के रूप में हमारा आगे रणनीति तैयार हो चुका है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और पुनः हड़ताल की ओर आगे बढ़े। गरियाबंद से जितेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट।